हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार प्रणाम। मैं एसके रॉय द रॉय ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग गोंडा स्टेशन, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और बहुत सारी विशेषताएं हैं खैरा भवानी मंदिर की, और आज हम आपको घुमाने वाले हैं। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिन बाद आज ब्लॉग न्यू ब्लॉग के साथ आया हूँ, क्योंकि मैं एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त था, इज्जत द अनटोल्ड स्टोरी, जो अल्फा सीरीज पे आने वाली है, तो आप देखना, ज़रूर देखना, ना भूलेंगे। चलते हैं, खैरा जय माता दी। इस खैरा भवानी मंदिर जाने के बीच में ये गलियां आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप, ये गलियां, ये छोवारा, यहाँ आना है दोबारा, क्योंकि माता का दर्शन है करना। अंकल, खैरा भवानी मंदिर जाना है? धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आ चुके हैं हम खैरा भवानी मंदिर। ये देखिए कितना विशाल और पुराना मंदिर है, मजा आएगा। ये देखो हमारे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। गाइस, आ चुके हैं हम लोग खैरा भवानी मंदिर। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे लगती है। ये आज कौन सा दिन है? आज संडे है, देख सकते हैं, और संडे के दिन कितनी भीड़ रहती है, और मज़ा आएगा आप आज के दिन यहाँ पे आएंगे तो घूमने में। ये बकरियाँ भी रोज़ दर्शन करती है, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली तो ये बकरियाँ हैं, जो मंदिर का दर्शन भी करती हैं और यहाँ पे आनंद भी ले रही हैं कुंड का। बताइए यार, ये यहाँ मंदिर का कुंड है। नमस्ते भैया जी, आप इस मंदिर के बारे में कुछ कह सकते हैं? बता सकते हैं, पूर्वजों का कहना है जी, जब ये बहराइच वाली लाइन चलती थी जी पहले, तो जो बगल में माता जी के बगल से जो रेल निकलती थी वो यहीं पर खराब हो जाती, मतलब ट्रेन रद्द हो जाती थी। अच्छा। आगे इंजन नहीं जा सकता था। फिर सब लोग बहुत माता जी का अरदास किया, तो माता जी का भविष्यवाणी हुआ कि पटरी से कुछ मंदिर से कुछ जो है आगे रेल का पटरी कर दीजिए तो गाड़ी चली जाएगी जी। तो ये हमारे पूर्वजों का कहना है कि जब यहाँ से बगल से मंदिर से कुछ दूर लाइन अलग हुई तो ट्रेन जाने लगी। सर, ये आप बता सकते हैं पंडित जी कि ये मंदिर का ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी लाइनें
आ चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। आगे जाके देखते हैं कहां तक ये लाइन जा रही है। बस एक ही और कुछ नहीं लगा देती हूं। नहीं 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 वो नहीं पैसा है लगवा लेंगे। सोने पे सुहागा है कि अभी नवरात्र चल रहा है। नवरात्र का अष्टमी हो चुका है, आठवां दिन है ये। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है इसीलिए माता का दर्शन बहुत आठ में कर रहे हैं। बिल्कुल टाइम बहुत कम मिल रहा है, सीमित है, क्योंकि आपको मैं दिखा चुका हूँ आधे किलोमीटर तक लंबी लाइन लग चुकी है। लगता है जाओ इधर लगवाओ सामान, चार डिब्बे में रख दिया भैया। चलो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो भैया, बाहर बढ़ते रहो, आप भी निकलते रहो भैया। पुजारी है और यहाँ पे सुरक्षा बल। चलिए चलते रहिए चलते रहिए। जय माता की जय। बच्चों की मस्ती भी यहाँ पे गेम खेलने के लिए, बच्चों को गेम खेलने के लिए यहाँ पे भी।
ये हम लोग खा रहे हैं, ये हमका खासा चाट। हम लोग आए थे खैरा भवानी मंदिर।